पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। सब बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अब वो आखिर पुष्पा है कहाँ? कौन है रे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अब रोल पुष्पा का। तो फाइनली दोस्तों, हम सबके फेवरेट सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के कैरियर की वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया मूवी जिसका नाम है पुष्पा पार्ट 2, और आज के दिन इस मूवी का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है जिसको देखने के बाद गोस बम आने वाले हैं। और स्पेशली जो लास्ट वाला सीन था अल्लू अर्जुन का शेर के साथ, उसने तो सबका दिल जीत लिया है। तो सोचो जब टीजर इतना खतरनाक है और उस टीजर के अंदर हमें इतने अच्छे डायलॉग सुनने को मिलते हैं, तो मूवी किस लेवल की होगी आप इसी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 2 मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के टीजर रिलीज करने के साथ साथ इस मूवी की स्टोरी को भी रिवील कर दिया है कि इस मूवी में हमें किस टाइप की स्टोरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी की, तो जैसा कि टीजर में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा राज के काले कारनामों की वजह से उसको पुलिस जेल में बंद कर देती है, लेकिन पुष्पा कुछ ही दिनों के अंदर जेल तोड़कर फरार हो जाता है। तो पुलिस उसके पीछे लग जाती है और उसके ऊपर गोलियां बरसाती है और कई सारी गोलियां पुष्पा को लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ पुष्पा के चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि पुष्पा गोली लगने के बाद क्या जिंदा है या फिर मर गया, और लास्ट में उन्हें पता चलता है कि पुष्पा अभी जिंदा है, जिसके बाद खुशी की लहर दौड़ जाती है, जिसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी होगी। तो पुष्पा पार्ट 1 में जिस तरह से पुष्पा राज को एक स्मगलर के रूप में दिखाया गया है, वहीं पुष्पा पार्ट 2 में आपको पुष्पा का एक ऐसा चेहरा भी दिखाया जाएगा कि वो कितने अच्छे अच्छे काम करता है और गरीबों की किस तरह से मदद करता है, और यही रीजन है कि इलाके की जनता उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने पुष्पा मूवी का टीजर देखा या नहीं, और अगर देख लिया है तो आपको ये टीजर कैसा लगा है, आप इस टीजर को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे, और आपको क्या लगता है कि पुष्पा मूवी कितने करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की रिलीज डेट को टीजर के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन खबरों की माने तो ये मूवी हमें इसी साल के एंड तक देखने को मिल जाएगी, यानी नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिल सकती है।